हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो सिंथेसिस नामक चैप्टर में आप लोगों को तीन काम करने होते हैं। पहला काम क्या है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना, जिसके लिए मैंने आपको आठ वीडियोस बना करके दिए हैं, जिनमें आठ नियम और आठ एक्सरसाइजेस मैंने हल करके आपको बतलाई हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखे हैं अभी, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज को देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छा, दूसरा काम होता है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, और उसकी शुरुआत मैं आज यहां इस वीडियो से करने जा रहा हूं। और तीसरा काम है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाना, जिसे हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आखिर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, कैसा होता है ये देखने में। तो चलिए मैं आपको वो सब कुछ बहुत ही शॉर्ट में बतलाने जा रहा हूँ। अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो फिर मैंने इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पर बहुत डिटेल्ड वीडियोज बनाए हैं, मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा आई बटन में, या नीचे आप प्लेलिस्ट में जाकर और उन सारे वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे तो सारी डिटेल्स आपको पता चलेंगी। आज तो फिलहाल मैं यहां इस वीडियो में उस एक्सरसाइज को हल करने जा रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना तो बनता ही है। तो चलिए मैं जल्दी से बतलाता हूं आपसे क्या पूछा जाएगा, क्या कहा जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि ये दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस हैं आपके सामने, और उन दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर आपको एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाएगा। तो बहुत कुछ बड़ी बात नहीं है, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आपको अब और कुछ नहीं, यहां पर इन सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करना होगा। यहां पर मैंने कुछ सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लिखे हैं, अभी और भी बहुत सारे कंजंक्शंस हैं, आप अपनी बुक में देखेंगे तो पाएंगे बहुत सारे कंजंक्शंस। अब यहां पर तो जिस एक्सरसाइज को मैं हल करूंगा उसमें जिन कंजंक्शंस की जरूरत पड़ेगी, मैं केवल उन्हीं कंजंक्शंस के बारे में बात करूंगा आपसे। फिलहाल मैंने कुछ यहां पर आपको बस समझाने दिखाने के लिए आपको यहां पर लिख दिए हैं कुछ एक सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और इन कंजंक्शंस की मदद से आपको इन दोनों ही सेंटेंसेस को जोड़ना होगा। कैसे जोड़ सकते हैं, मैं जरा इन्हीं दोनों, या ये एक सेट ये लिखा हुआ है, एक सेट ये लिखा हुआ है, मैं इन दोनों को पहले जोड़ देता हूं, फिर इसके बाद कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूं, उसे आप अपने दिमाग में सेट करिएगा। देखिए आपके सामने ये दो सेंटेंसेस हैं, शी वॉज एब्सेंट, वह अनुपस्थित थी, आई डोंट नो द रीजन, मैं कारण नहीं जानता। चलिए देखिए मैं यहां पर कैसे इन दोनों वाक्यों को जोड़ता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों ही वाक्यों को मैंने यहां पर इन दो तरीकों से जोड़ा है, अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से जोड़ा गया है। देखिए, आई डोंट नो द रीजन, मैंने दूसरे वाले सेंटेंस को ज्यों का त्यों पहले रख दिया है, आई डू नॉट नो द रीजन। अब यहां पर मैंने यहां क्या किया है कि वाई का प्रयोग किया है। वाई का हम क्यों प्रयोग करते हैं, भाई सिंपल सी बात है, जब हम रीजन के बारे में बात करते हैं तो वाई का प्रयोग करेंगे, जब हम यहां पर प्लेस की बात करेंगे तो वेयर का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से अलग अलग चीजों को ये सब डिनोट करते हैं, तो जिन चीजों को जो कंजंक्शन डिनोट करे उस कंजंक्शन का प्रयोग कर लेना है वाई। ओके, अच्छा, इसके बाद हमने दूसरा सेंटेंस लिख दिया, वाई सी वॉज एब्सेंट, ठीक है ना, और बाद में फुल स्टॉप लगाया। इसका क्या मतलब हुआ, मैं नहीं जानता वह कारण मैं नहीं जानता जिस कारण से वह एब्सेंट थी। तो आपने देखा यहां पर कि क्या किया है, दोनों सेंटेंसेस को आपने जोड़ा है और इस वाई नामक एक कंजंक्शन का प्रयोग किया है, अब यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अच्छा, दूसरी तरह से हमने जब इसे जोड़ा तो कैसे जोड़ा, देखिए यहां पर हमने किया आई डोंट नो, अब नो के बाद में हमने ये रीजन नहीं लिखा हुआ है, सीधे हमने ये वाली क्लॉज रख दी, यानी सी वॉज एब्सेंट, हमने ऐसा लिख दिया। अब आपको लगेगा ऐसा मैंने क्यों लिखा, अब इसमें क्या ग्रामर है, और अगर ऐसा मैंने नहीं किया या ऐसा मैंने किया तो क्या हो गया, बहुत कुछ हो गया भाई, ध्यान से सुनिए। ये वाली जो क्लॉज है ये क्लॉज एक्चुअली नाउन क्लॉज कहलाएगी, क्या कहलाएगी, नाउन क्लॉज, मीन्स सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, ये किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाली जो ये क्लॉज कहलाएगी ये नाउन क्लॉज कहलाएगी। अब ये नाउन क्लॉज क्यों कहलाएगी अगली स्लाइड में आपको मैं बतलाऊंगा। अच्छा, ये वाली जो क्लॉज है ये वाली क्लॉज कहलाएगी सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, क्या कहलाएगी ये, ध्यान दीजिए ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये वाली जो क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लॉज क्यों हो गई भाई,
यहाँ पर ये नाउन क्लॉज है, सेम वही क्लॉज नाउन, यहाँ पर एडजेक्टिव, जी हाँ चूंकि यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रही है इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी, यहाँ पर ये क्लॉज नाउन का काम कर रही है इसलिए ये सबॉर्डिनेट नाउन क्लॉज कहलाएगी। इसी प्रकार से जब इन दोनों सेंटेंसेस को हम कुछ इस प्रकार से जोड़ें तो ये जो क्लॉज बनेगी ये एडवर्ब क्लॉज कहलाएगी। कैसे जोड़ेंगे जरा मैं पहले जोड़ देता हूँ यहाँ पर, इफ यू ये देखिए इन दोनों सेंटेंसेस को मैंने कुछ इस प्रकार से जोड़ा। पहले सेंटेंस पढ़ें, यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, तुम फेल हो जाओगे। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है तो हमने फिर से एक यहाँ पर कंजंक्शन का प्रयोग किया। जी हाँ ये कंजंक्शन सेंटेंस के आरंभ में यानी स्टार्टिंग में भी आ सकता है, इनमें से कोई भी कंजंक्शन बिल्कुल सेंटेंस के आरंभ में भी आ सकता है। तो देखिए इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, और इसका हिंदी मीनिंग कुछ ऐसे निकालेंगे, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। अब ध्यान दीजिए मैं इस क्लॉज को अब कह रहा हूं कि ये है सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। ध्यान दीजिए ये जो क्लॉज है ये अपनी प्रिंसिपल क्लॉज के लिए एडवर्ब का काम कर रही है। क्या कर रही है ये अपनी प्रिंसिपल क्लॉज के लिए एडवर्ब का काम कर रही है, राइट। अच्छा अब अगर देखें ये वाली क्लॉज, ये क्लॉज अपनी प्रिंसिपल क्लॉज के लिए नाउन का काम कर रही है और ये वाली क्लॉज अपनी प्रिंसिपल क्लॉज के लिए एडजेक्टिव का काम कर रही है, ठीक है। तो ये जो एडजेक्टिव का काम होता है क्या होता है, कैसे डिसाइड करेंगे कि ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, ये तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा जब मैं आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस जोड़कर बताऊंगा और एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करूंगा। आज इस वीडियो में मैं इस नाउन क्लॉज का प्रयोग करने जा रहा हूं। सिंपली आपको मैं यहां पर इंट्रोडक्शन मात्र दे रहा हूं कि आखिर आज हम इस वीडियो में पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए इस प्रकार के कुछ दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस होंगे और उनको हम जोड़ेंगे, जोड़कर एक नाउन क्लॉज की सहायता से जोड़ेंगे। अर्थात ये जो सेंटेंस बनेगा वो किस तरीके का नाउन क्लॉज का सेंटेंस होगा, ये जो क्लॉज बनेगी। अब ये नाउन क्लॉज कैसे जानोगे कि ये नाउन क्लॉज है, और जिन दो सेंटेंसेस को आप जोड़ रहे हो और उन सेंटेंसेस में आप जिसको भी सबॉर्डिनेट क्लॉज बना रहे हो, आपने यहां पर इसे सबॉर्डिनेट क्लॉज बनाया है, तो इसको कैसे सेंटेंस में रखो कि ये नाउन क्लॉज बने। तो चलिए अब मैं आपको बतलाता हूं कि ये नाउन क्लॉज क्या होती है यानी सबॉर्डिनेट नाउन क्लॉज क्या होती है और आप उसका प्रयोग किसी सेंटेंस में कैसे करोगे तो वह नाउन क्लॉज कहलाएगी। तो चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस आप जोड़ेंगे, जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, तो आपको उन सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करना पड़ेगा, और जब आप उन सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करोगे तो वहां से एक सबॉर्डिनेट क्लॉज शुरू होगी और वो सबॉर्डिनेट क्लॉज अपनी प्रिंसिपल क्लॉज के लिए कभी नाउन का काम करेगी, कभी एडजेक्टिव का और कभी एडवर्ब का काम करेगी। अब मैं आपको ये बतलाने जा रहा हूं यहां पर कि वही सबॉर्डिनेट क्लॉज आखिर नाउन का काम कब करेगी। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि नाउन के काम क्या होते हैं। आप इतना तो जानते हैं कि नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, आप ये तो जानते हैं, बट आप शायद ये ना जानते होंगे कि नाउन के फंक्शन क्या होते हैं यानी नाउन के काम क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि नाउन के काम क्या होते हैं, और अगर आपने ये जान लिया कि नाउन का ये काम ये काम ये काम ये काम होते हैं, और अगर वो सबॉर्डिनेट क्लॉज वही काम कर रही है तो बस आप समझिए कि वह अपने प्रिंसिपल क्लॉज के लिए नाउन का काम कर रही है। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आखिर नाउन के फंक्शंस क्या होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बहुत ही संक्षेप में बतलाने जा रहा हूं, जल्दी से देखिए फंक्शंस ऑफ नाउन। मैं आपको बतला रहा हूं कि नाउन का काम क्या होता है। पहला काम होता है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, अर्थात कोई भी एक सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में एक टेंस बतलाने वाली क्रिया होती है, ठीक है ना, फाइनाइट वर्ब होती है। तो उस फाइनाइट वर्ब से जो पहले वाला हिस्सा होता है यानी ये फाइनाइट वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करती है, ठीक है ना। तो नाउन का पहला काम होता है किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनना। अब ध्यान दीजिए अगर कोई सबॉर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया की सब्जेक्ट बनी हुई है तो वह नाउन का काम करेगी। मैं जब करके आपको बतलाऊंगा तो ये बात आपको समझ में आएगी, अभी तो फिलहाल आप जान लीजिए कि नाउन का पहला काम होता है किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनना। दूसरा काम होता है किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट बनना। ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अब यहाँ पर कोई सेंटेंस है और यहाँ पर कोई ट्रांजिटिव वर्ब रखी है। आप तो जानते हैं कि अगर हम किसी क्रिया से क्या नामक प्रश्न करते हैं तो उत्तर में हमें
में जो भी मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब जरा कल्पना करिए कि अगर हमें प्रिंसिपल क्लॉज की इस क्रिया से जब हम क्या प्रश्न करें तो हमें यहाँ पर क्या के उत्तर में वो पूरी की पूरी सबॉर्डिनेट क्लॉज ही मिले, अर्थात यहाँ पर एक सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, फिर यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो और फिर यहाँ पर एक वर्ब हो। ध्यान दीजिए, तभी तो ये क्लॉज कहलाएगी, ठीक। और अगर इस क्या के आंसर में हमको ये पूरी की पूरी क्लॉज ही मिले तो फिर वह इस क्रिया की ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर कोई क्लॉज किसी सेंटेंस में रखी होती है तो वह नाउन का काम करेगी, तो वह नाउन क्लॉज कहलाएगी। तीसरा काम क्या होता है, किसी सेंटेंस में जब सपोज यहां पर एक ये सेंटेंस है और अगर उस सेंटेंस में कोई लिंकिंग वर्ब आ जाए, जैसे इज आ गई, एम, आर, वाज, वर, अगर ये क्रियाएं मुख्य क्रिया के रूप में होती हैं तो इन्हें लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। और जब ये लिंकिंग वर्ब यहाँ पर रखी होती हैं तो इसके बाद वाला ये जो स्थान होता है, अब ये वास्तव में यहाँ स्थान, इस स्थान में जो भी रखा होता है उसे ही हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, पूरक कहते हैं। अभी इसको मैं करके बतलाऊंगा तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो अगर किसी इज एम आर वाज वर नामक जैसी लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद अगर कोई यहाँ पर एक सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाली एक क्लॉज रखी है तो वह नाउन का काम कर रही होगी, चूंकि नाउन का तीसरा काम ये होता है। चौथा काम क्या होता है, देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ध्यान दीजिए, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी प्रीपोजिशन रखा है, जैसे फॉर रखा हो, ऑफ रखा हो, टू रखा हो, ठीक है ना, अगर इस प्रपोजिशन के बाद जो भी ये स्थान किसका होता है, नाउन का होता है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर नाउन नहीं बल्कि एक क्लॉज रखी हो, वही सबॉर्डिनेट क्लॉज जो किसी सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रही हो, वहाँ पर एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, तो वह सबॉर्डिनेट क्लॉज से पहले अगर कोई प्रपोजिशन लगा हुआ है तो ये काम भी नाउन का ही होता है, और अगर ये वाली क्लॉज वही काम करेगी तो वह भी नाउन क्लॉज ही होगी, ओके। अब एक काम और देखिए, केस इन अपोजिशन, ठीक है, ये क्या होता है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि जब दो नाउन्स अगल बगल रखे हों, एक नाउन ये रखा हो और एक नाउन ये रखा हो, ठीक है, तो और ये दोनों ही नाउन एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हो। केस इन अपोजिशन वो होता है कि जब दो भिन्न भिन्न शब्द या शब्द समूह ठीक एक दूसरे के अगल बगल रखे होते हैं तो बाद वाला जो शब्द होता है वो नाउन इन अपोजिशन होता है, फ्रेज होता है तो फ्रेज इन अपोजिशन, और अगर ये क्लॉज होती है तो क्लॉज इन अपोजिशन। तो अगर इन पांच प्रकार से कोई भी सबॉर्डिनेट क्लॉज रखी है तो वह नाउन क्लॉज होगी, ठीक है ना। अब इस एक्सरसाइज को हल करते समय आपको यही काम करना है, अर्थात कभी आपको जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होगी आपकी, कभी आप किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनाएंगे, कभी किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कभी उसे कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, तो कभी उसके पहले सही प्रेपोजिशन रखेंगे या फिर उसे केस इन अपोजिशन में रखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, इनको अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो मैं आपको करके बतला रहा हूँ कि अगर ऐसे ऐसे किया जाए तो ये नाउन क्लॉज होगी। देखिए, अब मैं एक बार इसे इन दोनों सेंटेंसेज में किसी एक सेंटेंस को मैं यहाँ पर बनाऊँगा क्या, एक सबॉर्डिनेट क्लॉज बनाऊंगा, और फिर उस सबॉर्डिनेट क्लॉज को दूसरे सेंटेंस में मैं बिल्कुल वैसे ही रखूंगा, कभी उसे सब्जेक्ट बनाऊंगा। सपोज मैंने इसे, इस क्लॉज को मान लीजिए मैंने कोई एक सबॉर्डिनेट क्लॉज बनाई, तो इस क्लॉज को मैं यहाँ इस, यानी ये प्रिंसिपल क्लॉज होगी, इस प्रिंसिपल क्लॉज का या तो मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा या तो फिर इसी को मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इस प्रिंसिपल क्लॉज की इस क्रिया का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा या फिर मैं उसे कॉम्प्लीमेंट बनाऊंगा या फिर ये सारी चीज़ें मैं करके आपको, चलिए मैं करके आपको दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ तो शायद आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और फिर इसके बाद एक्सरसाइज को हल करेंगे। चलिए पहला सेंटेंस देखिए, यू गेव मी समथिंग, तुमने मुझे कुछ दिया था, ठीक है ना, इट बिलोंग्स टू माई ब्रदर, तो जो कुछ भी तुमने मुझे दिया था वो बिलोंग करता है मेरे भाई को, यानी वो मेरी, वो चीज़ मेरे भाई की है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जो चीज़ तुमने मुझे दी थी वो मेरे भाई को बिलोंग करती है, तो इट बिलोंग, इस इट के लिए हम इस वाली क्लॉज को सबॉर्डिनेट क्लॉज बना सकते हैं, तो ऐसे बन जाएगा। देखिए जरा, वॉट, देखिए जरा मैंने क्या बनाया है, एक्चुअली इस क्लॉज को मैंने बना दिया है क्या प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है ना,
इस क्लॉज को मैंने प्रिंसिपल क्लॉज बनाया है, और ये जो इट है, अब ये इट क्या है, इट वो चीज़ है जो मेरे भाई को बिलोंग करती है, और मेरे भाई को कौन सी चीज़ बिलोंग करती है, वो चीज़ ये है जो तुमने मुझे दी थी, यानी तुमने मुझे कोई चीज़ दी, और जो चीज़ दी वो भाई को बिलोंग करती है। तो यहाँ पर इट क्या है, इस क्रिया का सब्जेक्ट है, और अगर इसी इट के स्थान पर हम एक सबॉर्डिनेट क्लॉज रख दें, जैसे वॉट यू गेव मी, जो तुमने मुझे दिया था वही चीज़ बिलोंग करती है मेरे भाई को। तो देखिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और इस प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया ये है, और इस क्रिया का सब्जेक्ट हमने बना दिया है एक सबॉर्डिनेट क्लॉज को, यानी एक सबॉर्डिनेट इन कंजंक्शन, फिर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। एक सबॉर्डिनेट क्लॉज में ये तीन चीज़ें अनिवार्य रूप से होंगी, क्या, एक सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, एक सब्जेक्ट होगा, और एक टेंस बतलाने वाली क्रिया होगी, ठीक है। और फिर ये पूरी की पूरी क्लॉज वास्तव में बन जाती है, आगे जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसके उसका सब्जेक्ट बन जाती है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, और अगर आपको इनको और अधिक डिटेल में आपको पढ़ना है, बहुत सारे एग्जांपल्स देखने हैं, तो फिर आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, और प्लेलिस्ट में जा कर के ये 5-6 वीडियोस पड़े हुए हैं, इन 5-6 वीडियोस को आप एक एक करके देखिए, ये सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ओके। मैं यहाँ पर आपको एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अब चलिए जरा दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, ही इज़ ऑनेस्ट, वह ऑनेस्ट है, एवरी वन नोज इट, हर कोई ये बात जानता है। तो हर कोई क्या जानता है, वो ये जानता है कि वह ऑनेस्ट है। तो यहां पर हम इन दोनों सेंटेंसेस को कैसे जोड़ सकते हैं, ऐसे एवरी वन नोज। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने इन दोनों को कैसे जोड़ा, इस सेंटेंस को आपने बनाया प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है ना, ये एवरी वन नोज, यहां पर एवरी वन, हर कोई जानता है, क्या जानता है, अब इस क्रिया के कर्म के रूप में ये वाली बात रखी हुई है, ये जानता है। देखो हर कोई जानता है, तो क्या जानता है भाई, आप अगर इस क्रिया से क्या पूछेंगे तो जो कुछ भी उत्तर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो सब कोई ये जानता है कि वह ईमानदार है, तो जानना ये देखिए इस क्रिया का ऑब्जेक्ट हुआ, राइट। तो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब ऐसे यूज किया। तीसरा सेंटेंस देखिए क्या है, ही इज वेरी गुड एट इंग्लिश, वह अंग्रेजी में बहुत होशियार है, इट इज ट्रू, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जरा, दैट तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहां पर इन दोनों ही सेंटेंसेस को दो प्रकार से जोड़ा है। पहला प्रकार देखिए यहां पर क्या किया है, इट इज ट्रू, यह बात सत्य है, तो इट किस बात की ओर रेफर कर रहा है, इस बात की ओर कि वह अंग्रेजी में बहुत होशियार है, इस बात को यहां पर ये इट रेफर कर रहा है। अब अगर हम इसी इट के स्थान पर इसी क्लॉज, इसे एक क्लॉज बनाकर यहां एक दैट नामक कंजंक्शन रखें, दैट और ही इज, अगर ये कर दें जैसे यहां पर किया, दैट ही इज गुड एट इंग्लिश, कि वह अंग्रेजी में बहुत होशियार है, ये वाली बात है, सत्य है। तो देखिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है आपकी, और इसकी हेल्प, इसकी जो वर्ब है वो है इज है, और इज के सब्जेक्ट के रूप में आपने इस क्लॉज को यूज किया, तो ये सब्जेक्ट टू वर्ब हो गई, यानी इस क्रिया का सब्जेक्ट हो गई। अब अगर इसी सेंटेंस को या इसी क्लॉज को हम कुछ ऐसे लिख दें, कैसे, यहां पर ये जो ट्रू है ये तो एडजेक्टिव है, अब अगर हम इसको सब्जेक्ट बना दें तो इसे नाउन में चेंज करना पड़ेगा, जी हाँ। तो जैसे हमने यहां पर लिख दिया द ट्रुथ, और ट्रुथ के बाद इज लगाया, सत्य है, अब क्या सत्य है ये हमने यहां पर लिख दिया, इसे कॉम्प्लीमेंट बना दिया, ठीक है ना। यहां पर ये ट्रू कॉम्प्लीमेंट है, इस इज नामक क्रिया का ये कॉम्प्लीमेंट है, ट्रू है, ठीक है ना। यानी ये जो क्रियाएं होती हैं, इनफैक्ट ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन की वर्ब्स होती हैं, और इनको अपना संपूर्ण भाव प्रकट करने के लिए, यानी सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बदलने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है। यानी कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखा होना चाहिए जो इस सेंटेंस को पूर्ण करे, इस सेंटेंस के मतलब को पूर्ण करे, तो इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऐसा ही यहाँ पर भी है, देखिए इज एम आर, ये यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आई है, और इस क्रिया की कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये पूरी की पूरी क्लॉज लिखी हुई है, तो इसे ही हम कहते हैं ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। और अगर ऐसे कोई सबॉर्डिनेट क्लॉज रखी है तो वह नाउन का काम करेगी, ओके। अच्छा अगला सेंटेंस देखिए जरा, ही हैज डन समथिंग, उसने कुछ किया है, उसने कोई ना कोई ऐसी बात की है जिसके लिए क्या होगा, ही विल बी पनिश्ड फॉर इट,
उसे इसके लिए दंड दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे जोड़ दें तो देखिए जरा कैसे बनेगा, ही विल बी, देखिए जरा कैसे बनाया, ऐसे किया, ही विल बी पनिश्ड, और फॉर लगाया यहां पर प्रीपोजिशन, उसे दंड दिया जाएगा, यहां पर ही विल बी पनिश्ड, उसे दंड दिया जाएगा किसी बात के लिए, सो फॉर इट, इस बात के लिए उसे दंड दिया जाएगा। तो फॉर आपको ऑलरेडी मिल गया, तो किस बात के लिए दंड दिया जाएगा, इट, इट के लिए, यानी इस काम के लिए उसे दंड दिया जाएगा जो काम उसने किया है। और उसके लिए हमने एक कंजंक्शन लिया, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ली, और इस तरीके से एक सबॉर्डिनेट क्लॉज बना दी, और इसका मीनिंग क्या निकला, He will be punished, उसे दंड दिया जाएगा फॉर उस बात के लिए, कौन सी बात के लिए, जो उसने की है, अर्थात जो काम उसने किया है उस काम के लिए उसे दंड दिया जाएगा। तो देखिए इस वाली क्लॉज से पहले एक प्रेपोजिशन रखा हुआ है, और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये वाली क्लॉज, है ना। अगर कोई क्लॉज ऐसे रखी होती है तो वह नाउन क्लॉज होती है। एक और चीज़ है, देखिए जरा, ही वॉज शॉट डेड, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, द न्यूज स्प्रेड एवरीवेयर इन नो टाइम, और वह समाचार क्षण भर में हर जगह, इन नो टाइम का मतलब होता है बिल्कुल ज्यादा अधिक समय नहीं लगा, बिल्कुल तुरंत हो गया, तो यह समाचार हर जगह तुरंत फैल गया। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम अगर ऐसे जोड़ दें, कैसे, द न्यूज, तो देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों सेंटेंसेस को कैसे जोड़ा है, कुछ ऐसे, द न्यूज दैट ही वॉज शॉट डेड स्प्रेड एवरीवेयर इन नो टाइम, और इसका मतलब यह है समाचार, और समाचार यह है, क्या है समाचार, कि उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, ये वाला समाचार स्प्रेड फैल गया एवरीवेयर, हर जगह, इन नो टाइम माने तुरंत ही। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये जो एक नाउन रखा है भाई, क्या फैला है, कौन सी बात फैली है, ये समाचार फैला है, और समाचार क्या है, ये है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये जो क्लॉज, इस क्लॉज में जो बात है वही बात ये न्यूज है, अर्थात ये दोनों चीजें एक ही है। और जब इस तरह से दो नाउन्स या दो फ्रेजेस या एक नाउन एक क्लॉज, एक नाउन एक फ्रेज यहां पर रखा हो, बाद में रखा हो, तो बाद में रखे हुए नाउन को हम केस इन अपोजिशन कहते हैं, या नाउन इन अपोजिशन कहते हैं, फ्रेज अगर रखा हो तो फ्रेज इन अपोजिशन कहते हैं, अगर यहाँ फ्रेज रखा है तो वो नाउन का ही कार्य करेगा, अगर यहाँ क्लॉज रखी है तो वो भी नाउन का ही कार्य करेगी। तो अच्छे से समझिए आप कि इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए आप जो भी सबॉर्डिनेट क्लॉज बनाओगे वहाँ आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो सबॉर्डिनेट क्लॉज इन पांच में से किसी न किसी एक तरीके से जरूर यूज की जाएगी। अब अगर आप ऐसा कर पाओगे तो वह सबॉर्डिनेट नाउन क्लॉज होगी और आपका सेंटेंस सही होगा, और अगर आपने ऐसा करने में जरा से भी गलती की तो फिर वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं एक्सरसाइज को हल करना, लेकिन आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9। इस एक्सरसाइज में 29 सेंटेंसेस हैं, जिसमें 20 सेंटेंसेस तो मैं खुद आपको करके बतलाऊंगा, लेकिन आपको भी कुछ करना पड़ेगा भाई। 9 सेंटेंसेस हैं, मैं यहां स्क्रीन में आपको दूंगा, और उन 9 सेंटेंसेस को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके नीचे कॉमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सेंटेंस, और फिर जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, सी विल गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी, सर्टेन, यह निश्चित है। लेकिन उससे पहले यहां पर वो कंजंक्शंस हैं जिनका आपको प्रयोग करना है सबॉर्डिनेट नाउन क्लॉज बनाने के लिए। तो देखिए ये वो कंजंक्शंस हैं जिनका प्रयोग आप सबॉर्डिनेट नाउन क्लॉज बनाने के लिए करेंगे, और जब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो बीच में जो कनेक्टर लगेगा यानी जो कंजंक्शन होगा उसका हिंदी अर्थ कुछ ऐसे निकलेगा। देखिए जब कभी आप दैट का प्रयोग करेंगे तो उसका हिंदी अर्थ की निकलेगा, की, अर्थात इन दोनों ही सेंटेंसेस को जोड़ते समय जब आपको बीच में की इस शब्द की जरूरत पड़े हिंदी में तो फिर आप उसके लिए दैट का प्रयोग करिए। ओके, अगर आपको ऐसा लगे कि वहां पर किसी व्यक्ति के लिए आपको यूज करना है और वहां पर की कौन या की किसने, अगर ऐसा कोई कंजंक्शन आता है तो वहां पर आपको हु का प्रयोग करना चाहिए व्यक्ति के लिए, और अगर कोई वस्तु है तो उसके लिए आप दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं और विच का प्रयोग भी कर सकते हैं। अच्छा, वाई
जब कभी आपको कि क्यों ऐसा किसी कंजंक्शन की जरूरत पड़े तो वाई, यानी ये रीजन बतलाता है। अच्छा वेयर, जहां पर आपको ऐसा कुछ दिखाई पड़े कि वहां कि कहां ऐसा कोई कंजंक्शन अगर दिखाई पड़ता है तो आपको वेयर का प्रयोग कर लेना है। इसी प्रकार से मैंने नीचे सब कुछ लिख दिया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर ये आपकी हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे सी विल गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे मार्क्स प्राप्त करेगी, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो क्या निश्चित है भाई? कि वह अच्छे मार्क्स पाएगी, यह वाली बात निश्चित है। बस की आ रहा है, क्या की आ रहा है, ठीक है ना। तो इस की के लिए आप दैट का प्रयोग करेंगे और दो सेंटेंसेस को कुछ ऐसे जोड़ सकते हैं, दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। कैसे कैसे, चलिए मैं जोड़ के आपको बतलाता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सीधा सीधा इस सेंटेंस को आपने बनाया प्रिंसिपल क्लॉज, यहां पर इट इज सर्टेन, यह बात निश्चित है। अब कौन सी बात निश्चित है? ये वाली कि वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी। तो ध्यान दीजिए कि ये वाली जो क्लॉज है ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब आपको ये देखना है कि ये वास्तव में नाउन का काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो आपको अच्छे से ये देखना है कि जब कभी भी इट से किसी सेंटेंस की शुरुआत हो तो उसके बाद इस इट को ही डिनोट करने के लिए एक बात कही जाएगी। तो इस वाली क्लॉज को कहते हैं केस इन अपोजिशन। क्या कहते हैं? केस इन अपोजिशन, राइट, जो मैंने आपको बतलाया था। तो इट वाले सेंटेंसेस तो ऐसे ही शुरू होंगे और फिर इसके बाद, यानी पहली जो मेन क्लॉज होगी उसके बाद में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज रखी होगी, तो ये होती है केस इन अपोजिशन। ओके, इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या इट इज सर्टेन, ये वाली बात निश्चित है। तो कौन सी बात निश्चित है? ये वाली बात निश्चित है। तो इट का यही मतलब है। अगर आप चाहें तो इस पूरी की पूरी क्लॉज को इट के स्थान पर अगर आप रख देंगे तो ये इज जो प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया है उस क्रिया का सब्जेक्ट बन जाएगी। देखिए जरा कैसे, ऐसे आप लिख सकते हैं दैट। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्या किया है आपने, सिंपली इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को, ये देखिए जरा, ये यहां से ये आपने एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाया, फिर एक सब्जेक्ट है, फिर एक फाइनाइट वर्ब है, और इस वाली क्लॉज को आपने यहां पर पहले रख दिया और फिर इस पूरी की पूरी क्लॉज को ही वास्तव में इस प्रिंसिपल क्लॉज की ये जो क्रिया है इस क्रिया का सब्जेक्ट बना दिया। तो ये सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब बन गई। अब अगर ये वाली क्लॉज कुछ इस तरह से रखी होगी, यानी इज नामक जो प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया है इसके सब्जेक्ट के रूप में रखी होगी तो फिर वह सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज कहलाएगी। देखिए जरा, देख लीजिए, इज सर्टेन, निश्चित है। तो क्या निश्चित है भाई, कौन सी बात निश्चित है? ये वाली बात, ये जो पूरी की पूरी बात है ना, यहां पर कोई एक चीज निश्चित नहीं है। देखिए यहां पर मार्क्स अंक थोड़ी ना निश्चित है, बल्कि गुड अच्छा थोड़ी ना निश्चित है। यहां पर कोई भी ऐसी चीज निश्चित नहीं है, बल्कि इस पूरी की पूरी जो बात कही जा रही है इस पूरे के पूरे सेंटेंस में क्लॉज में, वो वाली बात निश्चित है, ठीक है ना। इसलिए ये पूरी की पूरी बात ही वास्तव में इस क्रिया का सब्जेक्ट है। ओके, अच्छा अगला सेंटेंस देखते हैं। गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट, एवरी रिलीजन टीचेस अस। तो हर धर्म हमको पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, क्या शिक्षा देता है, ये शिक्षा देता है। एवरी रिलीजन, ये लीजिए, देखिए कितनी आसानी के साथ आपने रखा इस क्लॉज को, आपने बनाया प्रिंसिपल क्लॉज, ये ज्यों का त्यों आपने यहां पर रखा। तो प्रत्येक धर्म हमें सिखाता है, ये शिक्षा देता है। तो शिक्षा कौन सी देता है, क्या है शिक्षा, ये है शिक्षा। जैसे मैं कह दूं आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो अब यहां पर क्या हो गया, आई टीच किसे पढ़ाता हूं, आपको पढ़ाता हूं, तो आप हो गए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो इंग्लिश तो एकमात्र शब्द है, नाउन है, लेकिन यहां पर ये वाली जो बात है, ये वाली बात पूरी की पूरी है जो प्रत्येक धर्म सिखाता है। तो प्रत्येक धर्म क्या सिखाता है, ये वाली बात सिखाता है, क्या कि ईश्वर ओमनीप्रेजेंट है, ये वाली बात सिखाता है। तो आप देख रहे हैं कि इस टीचेस के क्या के आंसर में, अगर इस क्रिया से क्या पूछा जाए तो उसके आंसर में कोई एक शब्द नहीं मिल रहा है, बल्कि उसके आंसर में क्या है, पूरी की पूरी ये क्लॉज मिल रही है। तो ये पूरी की पूरी क्लॉज क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका, इस क्रिया का ऑब्जेक्ट है। और अगर ऑब्जेक्ट है तो वो नाउन का काम कर रही है, जैसे यहां पर ये सब्जेक्ट है इस क्रिया का, तो ये नाउन का काम कर रही है। ओके, इस तरीके से आप जोड़ेंगे। अगला सेंटेंस देखिए,
द टू स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, दो स्टूडेंट्स विद्यार्थी झगड़ गए. आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ क्या द रीज़न, मैं ये रीज़न जानना चाहता हूँ. ठीक है, कौन सा रीज़न कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये क्यों लड़ पड़े. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कंजंक्शन कौन सा आ रहा है, कि क्यों आ रहा है ना. तो कि क्यों के लिए आप क्या लगाएंगे, वाई का प्रयोग करेंगे. जब रीजन की बात हो तो वाई का प्रयोग करिए. प्लेस आ जाए तो वेयर का प्रयोग करिए. हाउ मीन्स मैनर, अगर यहाँ तरीका आ जाए तो हाउ का प्रयोग करिए. चलिए ये सब कुछ तो आने वाला है, आपको एक एक करके सब कुछ पता चलता चला जाएगा. अब देखिए जरा यहां पर हम कैसे इस सेंटेंस को जोड़ेंगे. आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं. क्या जानना चाहता हूं, कि वे लड़के क्यों लड़ पड़े, बस इतनी सी बात है. तो कि क्यों अगर आ जाए तो आपको इस नो के तुरंत बाद डब्ल्यू एच टाइप वर्ड यानी कि क्यों बाद में लगाना है और इसको यहां से हटा देना है. चलिए अगर इसको लगाए रखेंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगी. ओके, इसलिए इस रीजन को डिनोट करने वाला जो कंजंक्शन है वो है वाई, और वाई को इस क्रिया के तुरंत बाद रखेंगे तब वो ऑब्जेक्ट बनेगा. कैसे, यहां पर देखिए, आई वॉन्ट, ये लीजिए, देखिए क्या किया आपने यहां पर. आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं. आपने इतना सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉज में लिया है, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं. तो इससे पूछो क्या जानना चाहते हो आप. आप ये जानना चाहते हो ना कि क्यों वे लड़के क्यों लड़ पड़े, रीजन जानना चाहते हो. तो आप रीजन को यहां से हटाएंगे और उस रीजन को बतलाने वाला जो कंजंक्शन है यहां पर, ये वाई, इस वाई को यहां पर लगाएंगे तो इसी का मतलब हो गया कि क्यों. मैं जानना चाहता हूं कि क्यों वे दोनों लड़के लड़ पड़े. एक बात और हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी ये डब्ल्यू एच टाइप कंजंक्शन आएगा तो उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा. ध्यान दीजिए, उसके तुरंत बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्रिया आएगी. ओके, दैट, दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर क्रिया आएगी. ठीक है, जहां कहीं भी आप ये डब्ल्यू एच टाइप वर्ड्स रखेंगे उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा. हाँ, कभी कभी जो हु है इसके बाद नहीं आएगा, क्योंकि हु स्वयं सब्जेक्ट का काम कर सकता है. तो कभी कभी हु के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा बल्कि सीधी क्रिया आएगी. चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं यहां पर. सी मे बी इनोसेंट, वह इनोसेंट हो सकती है, निर्दोष हो सकती है. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. मैं नहीं जानता, कौन सी बात नहीं जानता या क्या नहीं जानता, कि वह इनोसेंट है या नहीं, ये वाली बात मैं नहीं जानता. इतनी सी तो है बात. तो बस इसके लिए जब कभी ऐसा आ जाए कि मे बी अगर लगा हो तो वहां पर श्योर हो सकता है, हो सकती है और नहीं भी हो सकती है. तो जब ऐसी कोई बात आए जो हो सकती है और नहीं भी हो सकती है तो उसके लिए एक कंजंक्शन आप यूज किया करिए. वो कौन सा है, देखिए, वेदर. ध्यान दीजिए, क्या, वेदर, राइट. इसका इसका प्रयोग करेंगे जब कभी कोई चीज मान ली जाती है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है कि ना भी हो. तो जब ऐसा करेंगे तो इस नो के बाद इस वेदर का प्रयोग करेंगे और कुछ ऐसे सेंटेंस बनाएंगे. देखिए जरा, आई डोंट नो, ये देखिए, ऐसे आप बनाएंगे. क्या करेंगे, इसको आप बनाएंगे प्रिंसिपल क्लॉज, आई डोंट नो, और वेदर का प्रयोग आप करेंगे अपनी तरफ से जब कभी ऐसी कोई बात आए, मे बी, संभावना अगर प्रकट की जाए. और इस मे बी को आप आगे चल करके इज में बदल देंगे. ठीक है ना, यहां पर देखिए जरा, मे बी इज, माइट भी होता तो वाज में चेंज कर देते. ओके, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वह इनोसेंट है या नहीं, यह है इसका मतलब जब कभी हम वेदर का प्रयोग कर देते हैं. ओके, अगला सेंटेंस देखिए, यू आर ए लायर, तुम झूठे हो. दिस इज नोन टू ऑल, ये सबको पता है. तो क्या चीज सबको पता है, ये वाली बात सबको पता है. तो ये दिस, दिस किसके लिए है, इस वाली बात के लिए है. तो बस इसी दिस के स्थान पर इस इसको क्लॉज बना करके रख दो. कैसे, अब दैट यू आर, ये लीजिए, बड़ा ही आसान है. देखिए, दैट यू आर ए लायर, कि तुम एक झूठे हो, ये वाली जो बात है ना, ये सबको पता है. तो देखिए, ये प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया है और इस क्रिया से पहले ये सब्जेक्ट के रूप में आया है. सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये नाउन क्लॉज है. तो ये हुए पांच सेंटेंस. अगली स्लाइड में अगले पांच सेंटेंस और देखिए. तो अगला सेंटेंस है, देखिए, वी मस्ट लव द पुअर, हमें गरीबों से प्रेम करना ही चाहिए. गांधी जी टॉट अस सो, गांधी जी ने हमें ऐसा सिखाया. तो गांधी जी ने हमें सिखाया, तो एक तो ऑब्जेक्ट ये हो गया, हम किसको सिखाया, हमें सिखाया. क्या सिखाया, और क्या का आंसर भी ऑब्जेक्ट ही होता है. तो हमें ऐसा सिखाया, तो कैसा सिखाया है, ऐसा, वी मस्ट लव द पुअर. तो हमें कैसा लिखना चाहिए, गांधी जी टॉट,
ये लीजिए, देखिए आपने क्या किया, इस वाली क्लॉज को आपने प्रिंसिपल क्लॉज बनाया। गांधी जी टॉट अस, गांधी जी ने हमें सिखाया, और गांधी जी ने क्या सिखाया, जो सिखाया है वो पूरी की पूरी बात ये है, गांधी जी ने हमें ये सिखाया कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। ओके, बड़ी आसानी से जुड़ जाएगा। आई शैल बी बैक ऑन संडे, मैं संडे को वापस आ जाऊंगा। आई एक्सपेक्ट दिस, मुझे ये आशा है, तो मैं आशा करता हूं, तो कौन सी या क्या है मेरी आशा, ये दिस, दिस क्या है, ये वाली बात है। मैं किस चीज की आशा कर रहा हूं, मैं इस चीज की आशा कर रहा हूं, तो ये इस क्रिया का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बिल्कुल सेम वैसा ही। आई एक्सपेक्ट दैट, ये लीजिए, देखिए आई एक्सपेक्ट आपने यहां पर किया, ये प्रिंसिपल क्लॉज बनी। इस प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब है एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूं, क्या आशा करता हूं, ये वाली आशा करता हूं कि मैं संडे को वापस आ जाऊंगा। तो देखिए ये एक क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, और फिर एक फाइनाइट वर्ब, राइट। बस इसी को तो हम, अब ये क्या है, ये इस क्रिया का ऑब्जेक्ट है। तो ये वाली जो क्लॉज है ये अपने प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया के ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो नाउन क्लॉज हो गई। अगला सेंटेंस देखें, वेयर हैज ही गॉन, वो कहाँ गया है, प्रश्न पूछा गया। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, तो अब देखिए क्या तुम्हें पता है, क्या पता है कि वह कहाँ गया है, बस ऐसे जोड़ देते हैं। तो की कहाँ, की कहाँ के लिए आपको वेयर का प्रयोग करना है, हालांकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है। अब आप सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, क्या पता है। अब देखना है कुछ खास चीज़ें यहाँ पर, क्या ये जो वेयर है यहाँ पर ये कंजंक्शन के रूप में आ जाएगा, यहाँ पर ये इंटरोगेटिव वर्ड के रूप में है, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द के रूप में है। अब यहाँ पर आपको ये यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में लाना पड़ेगा। सो डू यू नो, क्या तुम्हें पता है कि कहाँ। अब जब ये कंजंक्शन बन जाता है तो फिर इसके तुरंत बाद सीधे क्या आता है, सब्जेक्ट आता है ही, और ये आगे असर्टिव सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ से ये जो हैज है ये ही के बाद आएगा। डू यू नो वेयर ही हैज गॉन, आप ऐसा बनाएंगे, क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ गया है। अब ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्योंकि ये जो मेन क्लॉज है इसकी वो एक्चुअली इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आप बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, अच्छा अगला सेंटेंस देखिए, समवन स्टोल माय वॉच, किसी ने मेरी वॉच चुरा ली है। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। तो आप किसे नहीं जानते हो, किस व्यक्ति को नहीं जानते हो, जिसने आपकी वॉच चुराई। तो आप ध्यान दीजिए कि हिम उस व्यक्ति को, ये व्यक्ति है, तो व्यक्ति के लिए आप हु का प्रयोग करेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ऐसे लिखेंगे आप, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, और इसके बाद ही आपको हु लगाना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि ये जब हु लग जाता है तो इसी के अंदर ही वास्तव में सब्जेक्ट भी छुपा होता है, तो हु के तुरंत बाद तो क्रिया आ जाएगी, ठीक है ना। सो हु, और फिर इसके बाद स्टोल, सीधे क्रिया आ जाएगी, तो जिसने चुराई, ठीक है ना, तो जिस व्यक्ति ने ये काम किया है वो इसी हु के अंदर ही है, क्लियर। तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि किसने चुराई मेरी वॉच, माय वॉच। तो हु एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जिसके अंदर ही सब्जेक्ट छुपा होता है, यानी इस क्रिया का कर्ता छुपा होता है। यहां पर वेयर के अंदर कर्ता नहीं छुपा, बल्कि वेयर के बाद यहां पर आपने इस क्रिया का कर्ता रखा है, ठीक है। तो यहां पर ये कंजंक्शन भी है और कर्ता भी है, इसीलिए इसके तुरंत बाद आप मेन वर्ब रखेंगे। ओके, नेगेटिव होगा तो डिड नॉट आएगा, और अगर नेगेटिव नहीं है तो सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। ओके, अगला सेंटेंस, He was innocent, वह निर्दोष था। This was his statement, ये उसका statement था, ऐसा उसका कहना था। It was wrong, और जैसा उसका कहना था वो कहना उसका गलत था। अब ये तीन sentences हैं, अब इनको अच्छे से सुनिए। देखिए He was innocent, ये एक बात है। This was his statement, तो उसका statement यह था। तो यह क्या था उसका statement, ये कि वह innocent था, ये उसका स्टेटमेंट था। तो इसके लिए आप दैट का प्रयोग कर लेंगे, तो दैट से इस सेंटेंस को शुरू कर देंगे, सेंटेंस को नहीं बल्कि इस क्लॉज को शुरू कर देंगे, और सेंटेंस तो यहां से शुरू करेंगे। कैसे, हिज स्टेटमेंट, जब आप ऐसा लिखेंगे हिज स्टेटमेंट, और इसके बाद जब आप इसे लिखेंगे, उसका स्टेटमेंट क्या था, ये था दैट ही वॉज इनोसेंट, दैट ही वॉज इनोसेंट, ये उसका स्टेटमेंट था, ठीक, इनोसेंट।
तो उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका स्टेटमेंट कि वह इनोसेंट था, ये उसका स्टेटमेंट था। ठीक है, तो स्टेटमेंट और ये दोनों एक ही बातें हैं, इसलिए इसे हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। और यही वाली बात तो वास्तव में क्या थी, रॉन्ग थी, तो वॉज रॉन्ग ऐसा आप लिख देंगे, वॉज रॉन्ग। ओके, तो सेंटेंस ऐसा बन जाएगा क्या, हिज स्टेटमेंट, उसका ये कहना, क्या कहना कि वह निर्दोष था, ये कहना उसका एक्चुअली क्या था, रॉन्ग था। ठीक, तो ये और ये दोनों केस इन अपोजिशन में रखे हैं, तो इसे हम बोलते हैं नाउन क्लॉज इन अपोजिशन, ये नाउन क्लॉज इन अपोजिशन कहलाएगी। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, वेयर डिड ही गो, वो कहाँ गया, नोबडी नोज इट, कोई नहीं इस बात को जानता है, तो किस बात को कि वह कहाँ गया, ये भी बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस है जैसे यहाँ पर रखा हुआ है। तो चलिए इस वाली क्लॉज को ही प्रिंसिपल क्लॉज बना देंगे और इट हटा देंगे यहाँ से, और इसी के स्थान पर अब इस सबॉर्डिनेट क्लॉज को ले आएंगे, नोबडी नोज और क्या, वेयर, कोई नहीं जानता कि कहाँ, कि कहाँ के तुरंत बाद अब आपको ही यानी सब्जेक्ट रखना है, वेयर ही। अब चूंकि यहाँ से बनने वाला जो सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस है और ये कंजंक्शन बन गया, तो अब यहाँ से ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो समाप्त हो जाएगी। आप तो जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तभी लगती है जब वो या तो नेगेटिव हो या फिर वो इंटरोगेटिव हो, तभी वो लगती है, अन्यथा फिर पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज डिड नहीं लगते, अगर वो सेंटेंस कैसा हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो। अब आगे अफर्मेटिव बनने जा रहा है, ही वेंट, तो डिड यहां से समाप्त हो जाएगा और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, वेयर ही वेंट, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गए 11 सेंटेंसेस, चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं और सेंटेंस देखते हैं। अब अगला सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, ही इज डेड, वह मर चुका है, दिस न्यूज, यह समाचार, इज नॉट ट्रू, सही नहीं है, सत्य नहीं है। तो देखिए जरा, दिस न्यूज, यह समाचार, सत्य नहीं है, तो समाचार क्या है, कौन सा समाचार है जो सत्य नहीं है, तो समाचार यह है, ही इज डेड, कि वह मर चुका है। तो यह समाचार और ये वाली जो बात वो एक ही है, तो बस केस इन अपोजिशन बना दीजिए। कैसे बन जाएगा, दिस न्यूज आप पहले लिखेंगे, दिस न्यूज, और इसके बाद आप लिखेंगे दैट ही इज डेड, दैट ही इज डेड, यह समाचार कि वह मर चुका है, यह वाला समाचार आप यहां पर भी कॉमा लगाएंगे और यहां पर भी, तो यह बन गया केस इन अपोजिशन। हालांकि कई बुक्स में यहां पर कॉमा नहीं भी लगा हुआ है, लेकिन एक रूल होता है कि जब यहां पर हम किसी नाउन को या फ्रेज को या हम किसी क्लॉज को अगर अपोजिशन में रखते हैं, तो उसके पहले भी कॉमा लगता है, उसके बाद भी कॉमा लगता है, ठीक है ना। तो उसी रूल को हम फॉलो करते हुए यहां पर लिख रहे हैं, दिस न्यूज दैट ही इज डेड, कि वह मर चुका है, ये वाला समाचार इज नॉट ट्रू। ओके, तो बहुत ही सिंपली आप इनको जोड़ सकते हैं ऐसे। अगला सेंटेंस देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्यदेव पूर्व दिशा में उगते हैं, दिस इज अ फैक्ट, यह एक फैक्ट है, माने सत्य है, ठीक है ना। तो फैक्ट, फैक्ट का मतलब होता है कोई तथ्य, जो तथ्य का मतलब जो सही बात होती है वही तथ्य होता है, तो यह एक सही बात है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ऐसे दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, दिस इज अ फैक्ट, यह एक फैक्ट है, क्या है फैक्ट, की, अब की लगा करके आप इस सेंटेंस को आगे लिख सकते हैं। सन, अब यहां पर फुल स्टॉप हटाएंगे और लिख देंगे दैट द सन, और द सन के बाद पूरा का पूरा सेंटेंस यहां पर आगे लिख देंगे, तो ये भी एक नाउन क्लॉज ही है। लेकिन आप एक ऐसा भी सेंटेंस बना सकते हैं, क्या इसको नाउन बना सकते हैं, अ फैक्ट ऑलरेडी नाउन है ही, तो आ के बजाय हम यहां पर द लिख देंगे, द फैक्ट, और फिर इसके बाद लगाएंगे इज, द फैक्ट इज, यानी तथ्य है। अब क्या है तथ्य, जो तथ्य है उसे आप कॉम्प्लीमेंट बना दीजिए, तो तथ्य यह है कि द सन, यहां पर आप कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, यहां पर एक कंजंक्शन लगाएंगे, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, बस इतनी सी बात है, आप ऐसे लिख सकते हैं। और इन दो प्रकार से आप इन दोनों ही सेंटेंसेस को जोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो इसे आप क्या कर सकते हो, इसे भी आप यहां सब्जेक्ट बना सकते हो और सेंटेंस ऐसा लिख सकते हो, क्या दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट
इज ए फैक्ट, ऐसे भी लिख सकते हो, यानी इस क्लॉज को दिस हटाइए और इस क्लॉज को यहाँ ले आएंगे तो ये सब्जेक्ट टू ए वर्ब बन जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप खिलवाड़ करने लग जाओगे जैसे ही आपकी इसकी ग्रामर अच्छे से समझ में आएगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए आगे अगला सेंटेंस देखते हैं। यू मे बी रॉन्ग, तुम गलत हो सकते हो, श्योर नहीं बल्कि तुम गलत हो सकते हो, ऐसा एक सेंटेंस मैं आपको पहले बतला चुका हूं। आई कैनॉट से, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता भाई, तुम गलत हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो। जब ऐसी बात आए तो आपको क्या करना चाहिए, वेदर का प्रयोग करना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बतलाया। तो इसी क्लॉज को हम बना देते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, कैसे बन जाएगा, आई कैनॉट से, मैं नहीं कह सकता, फिर यहां से पुलिस स्टॉप हटाएंगे और वेदर नामक कंजंक्शन लगाएंगे, वेदर, और फिर इसके बाद यहाँ पर यू मे बी, आपको पहले भी बताया कि अगर मे बी हो तो वहाँ पर इज का प्रयोग करो या आर का प्रयोग करो, एम का प्रयोग करो, अगर ये माइट भी हो तो फिर वाज या वर का प्रयोग करो। सो आई कैनॉट से वेदर यू आर रॉन्ग, ये इसका मतलब हो गया, यू आर रॉन्ग मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ मैं नहीं कह सकता कि तुम गलत हो या नहीं। ध्यान दीजिए, ये जो वेदर जब लगता है तब इसका मतलब कुछ ऐसा ही निकालते हैं, तुम ऐसा हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो, क्लियर। अगला सेंटेंस देखिए, इट इज़ नॉट नोन, पता नहीं है, यह ज्ञात नहीं है, कौन सी बात नहीं ज्ञात है, ये वाली बात, व्हेन विल ही अराइव, यानी वह कब आएगा, वह कब पहुंचेगा, व्हेन विल ही अराइव, वह कब पहुंचेगा, ये वाली जो बात है यह किसी को ज्ञात नहीं है। तो बस इसको उठाइए इस क्रिया और इस क्रिया का सब्जेक्ट बना दीजिए इट के स्थान पर, तो इट के स्थान पर अगर आप इसे रख देंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा ये पूरी पूरी क्लॉज। लेकिन जब इसे क्लॉज बनाओगे तो एक काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, व्हेन के तुरंत बाद सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पर से ही, यहाँ से उठ करके पहले आ जाएगा व्हेन ही और फिर इसके बाद विल आएगा, तब ये क्लॉज बन जाएगी। व्हेन ही विल अराइव, अब यहां ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा क्योंकि अब ये सेंटेंस असर्टिव बन गया, ठीक है ना, ये कंजंक्शन हो गया फिर ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। सो व्हेन ही विल अराइव, इट के स्थान पर आपको रखना है तो इट को हटा देंगे और ये सेंटेंस आपका बचेगा इज नॉट नोन, इज नॉट नोन, क्लियर। ऐसे बना सकते हैं आप, चलिए देखिए, व्हेन ही विल अराइव, वह कब आएगा, यह वाली बात क्या है, इज नॉट नोन, पता नहीं है, क्लियर। अच्छा अगला सेंटेंस देखिए, वेयर हैव यू पुट माई बुक, तुमने मेरी पुस्तक कहाँ रख दी है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। टेल मी, मुझे बताओ, मुझे बताओ, तो क्या बताओ भाई कि तुमने मेरी पुस्तक कहाँ रख दी है, ये वाली बात बताओ। तो बस इसे ही प्रिंसिपल क्लॉज आपको बनाना है, फुल स्टॉप हटाना है, इस सेंटेंस को यहाँ पर क्लॉज के रूप में लिखना है। क्लॉज के रूप में लिखने के लिए यही वेयर यहाँ पर आ जाएगा कंजंक्शन के रूप में, और कंजंक्शन के रूप में जैसे ही आएगा तो ये सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और वर्ब बाद में चली जाएगी। टेल मी वेयर यू हैव, देख रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर बच्चे लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, वेयर के बाद सीधे वो हैव हेल्पिंग वर्ब भी रख देते हैं, नहीं जी, यहाँ पर ये वेयर जो होता है कंजंक्शन होता है और ये एक दूसरी क्लॉज होती है जो सब्जेक्ट से शुरू होती है, वेयर यू हैव पुट माई, ये लीजिए, ऐसे आप सेंटेंस को जोड़ देंगे, क्लियर। आगे देखते हैं, मिस्टर सिंह सेड समथिंग, मिस्टर सिंह ने कुछ कहा था, आई डोंट एग्री टू इट, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, आई डू नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हूं, टू इट, ध्यान दीजिए इस एग्री के बाद में एक प्रेपोजिशन लगा हुआ है, अब ये प्रेपोजिशन तो यहां पर लगा ही रहेगा और इट, इस बात से सहमत नहीं हूं, तो किस बात से सहमत नहीं हूं, जो बात मिस्टर सिंह ने कही थी उस बात से मैं सहमत नहीं हूं, तो उसके लिए अब आपको एक कंजंक्शन चाहिए। अब कंजंक्शन कौन आएगा, वो कंजंक्शन होता है व्हाट, और व्हाट का मतलब कभी कभी की क्या या जो निकलता है, तो देखो यहां पर क्या निकल रहा है, आई डोंट एग्री, मैं सहमत नहीं हूं, तो अब यहां पर ये यहीं पर ऐसे ही रखा रहेगा और ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज बनेगी, आई डोंट एग्री, मैं अग्री नहीं करता हूं, और टू ये लगा ही रहेगा, ये प्रेपोजिशन है, किस बात से एग्री नहीं करते हो, मिस्टर सिंह सेड समथिंग, मिस्टर सिंह ने कुछ कहा था, तो जो कहा था, तो यहां से आपको ये समथिंग हटाना पड़ेगा और इसके लिए आपको एक कंजंक्शन लाना पड़ेगा जो इस समथिंग को वहां पर रिप्रेजेंट करेगा, तो उसके लिए व्हाट है, आप यहां पर रख दीजिए टू व्हाट, ठीक है ना, आई डोंट एग्री टू व्हाट और मिस्टर सिंह सेड, यहां पर लिख देंगे आप मिस्टर सिंह सेड,
तो आप देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, यहाँ पर ये कौन सा रूल है। देखो जरा, आई डू नॉट एग्री, अब ये पूरा सेंटेंस ऐसे बना, मैं सहमत नहीं हूँ उस बात से, ध्यान दीजिए टू लगाया गया है, प्रेपोजिशन लगाया है, यहाँ पर इस क्लॉज को प्रेपोजिशन की ज़रूरत है। तो मैं सहमत नहीं हूँ, किससे सहमत नहीं हूँ, इस बात से। तो अगर यहाँ पर इस बात से सहमत होने की बात आएगी तो यहां पर आपको ये टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोई व्यक्ति होता तो विद लगाना पड़ता, ओके। कोई बात है तो टू लगाना पड़ेगा, आपको पता है कि अग्री के बाद में या तो टू लगेगा या तो विद लगेगा। तो टू किसके साथ लगता है, किसी बात के लिए लगता है, और किसी व्यक्ति के लिए विद का प्रयोग होता है। तो ये यहां पर क्या है, यह है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इसी को कहते हैं गवर्न्ड बाय प्रेपोजिशन, ओके। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को जोड़ लेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, He is angry with me. वह मुझसे क्रोधित है या नाराज है। He will not help me. वह मेरी सहायता नहीं करेगा। I know this. मैं इस बात को जानता हूँ। तो आप किस बात को जानते हो? आप इस बात को जानते हो कि वह आपसे नाराज है और आपकी सहायता नहीं करेगा। तो बस सिंपली यहाँ पर I know लिख देंगे। I know। ये देखिए, ऐसे आपने कर दिया। कैसे? I know, मैं जानता हूँ। क्या मैं क्या जानता हूँ? ये जानता हूँ कि वह मुझसे, कि के लिए आपने that लगाया, वह मुझसे नाराज़ है, he is angry with me। और साथ ही साथ ये वाली बात भी मैं जानता हूँ। तो ये दोनों बातें मैं जानता हूँ ना, तो बस यहाँ पर आपने and लगाया। हालांकि अगर आपने यहाँ पर and लगा दिया तो ये एक coordinate clause बन गई, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने एक यहाँ पर नाउन क्लॉज बनाई है, ठीक है ना, और दूसरी तीसरी कुछ भी होती रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर। अच्छा, बस इस तरीके से आपने इन दोनों तीनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया। अगला सेंटेंस देखिए, विल ही कम, क्या वह आएगा? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब देखिए, अब अगर ये सेंटेंस है और ऐसा कोई सेंटेंस एक लिखा हो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, यहाँ पर जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस रखे होंगे जो डब्ल्यू एस टाइप वर्ड से शुरू हैं, तो वो डब्ल्यू एस टाइप वर्ड ही वहाँ पर जाकर के होते हैं क्या, वही कंजंक्शन बन जाते हैं। लेकिन अगर कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस हो और उसे वहाँ पर सबॉर्डिनेट क्लॉज बनानी हो, तो फिर किस कंजंक्शन को यहाँ पर लाते हैं? तो मैं आपको बतलाता हूँ, आपके पास दो कंजंक्शन है, एक या तो इफ है और या तो वेदर है। If या वेदर में से किसी भी एक कंजंक्शन को यहाँ पर आप ले आएंगे, आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन किया होगा, उसमें आपने ऐसे ही किया है कि आपने रिपोर्टिंग क्लॉज के बाद में अगर ये कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला होता है, तो वहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आप क्या करते हो, इफ या वेदर का ही प्रयोग करते हो। तो वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा, आई डोंट नो। अब आप यहाँ पर इफ रख सकते हो या वेदर भी रख सकते हो, ठीक है, आई डोंट नो वेदर या इफ, और फिर इसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना पड़ेगा ही, और विल उधर चला जाएगा। देख रहे हैं आप, एक खास बात आप याद रखिएगा कि जब कभी भी ये प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया अगर पास्ट टेंस में होगी, अगर यहाँ पर डिड नॉट होता तो ये विल वहाँ पर जाकर वुड बदल जाता। ये आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो फिर इस सबॉर्डिनेट क्लॉज की जो वर्ब होगी वो भी पास्ट टेंस में ही चली जाती है, ओके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ही विल कम, आगे ये कर देंगे, ही विल कम। सो आई डोंट नो इफ ही विल कम, मैं नहीं जानता कि वह आएगा। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इसे जोड़ सकते हो। अगला सेंटेंस देखिए, द रेन्स वुड कम, बारिशें होंगी यानी पानी बरसेगा। दैट वॉज अवर होप, ऐसी हमारी आशा थी। Our hope was wrong, हमारी होप गलत थी। तो हमारी होप क्या थी भाई, ये थी हमारी होप, ठीक है। तो सिंपली इसको भी केस इन अपोजिशन ही बनाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। Our hope, हमारी आशा क्या थी, देखिए जरा, Our hope, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर that कि बारिश होगी, that the rains would come। अब यहां तक आपने लिखा, क्या किया है आपने, देखिए इस नाउन के अपोजिशन में आपने इस क्लॉज को रख दी, उससे पहले कॉमा लगाया उसके बाद कॉमा लगाया। तो हमारी आशा कि ऐसा होगा वास्तव में क्या थी, रॉन्ग थी। तो वॉज रॉन्ग, और इनफैक्ट देख रहे हैं कि आपने अगर देखा तो सिर्फ इसी सेंटेंस और इस सेंटेंस से यह सब बन गया, और इस सेंटेंस की हमारी कोई जरूरत ही नहीं। एक्चुअली दैट वॉज आवर होप, हमारी ये आशा थी, ठीक है ना। तो हमारी आशा
और हमारी आशा, यहाँ पर भी हमारी आशा लगी। तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल बेकार का हो गया, कुछ भी नहीं। सिंपली आप ऐसे रख सकते हैं, आवर होप, हमारी आशा कि ऐसा होगा गलत थी। बस इस तरीके से आप इन तीनों ही सेंटेंसेस को जोड़कर बना सकते हो। इस तरह से ये हो गए 20 सेंटेंसेस कंप्लीट। जी हाँ, इस एक्सरसाइज के 20 सेंटेंसेस मैंने सॉल्व करके आपको बतला दिए। सब कुछ बहुत ही ईजी है, बहुत ही इजी सेंटेंसेस मैंने यहां पर अभी बचा करके रखे हुए हैं। तो मैं यहां पर अब स्क्रीन में वो सारे सेंटेंसेस यहां पर लिखकर आपको दे रहा हूं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको आप सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स जरूर ड्रॉप कर दीजिए। एक एक बच्चे का आंसर मैं चेक करूंगा, जहां कहीं गलती होगी मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहां पर फिनिश करते हैं, अब अगले वीडियो में मिलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज को लेकर। जी हाँ, अब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनाएंगे, लेकिन ये क्लॉज नहीं, ये तो नाउन क्लॉज थी। अब हम एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे और एक और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो अब मिलते हैं जल्द ही, बाय बाय।